Hi guys, it's Anuvama. Welcome back to my channel, Crackboard 1819. So, आज हम बात करेंगे most important questions of chapter 2nd, inverse trigonometric function. 5 marks का chapter है आपका, 1 marks objective question और 4 marks का एक large वाला question जो आपके पास board में आता है. तो, केवल 3 exercise हैं, 2.1, 2.2 और एक miscellaneous exercise, ठीक है? उसके जो main questions हैं, वो हमने ये mark कर दिए हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज है प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड. तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपने क्या ध्यान रखना है, साइन, टेन और कॉसिक, उन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की रेंज में होनी चाहिए, और कॉस, सेक और कॉट, उन तीनों की जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट इज बिटवीन जीरो टू पाई. ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं इसमें सब प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड हैं. नेक्स्ट जो सेकेंड एक्सरसाइज में है, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. These are sufficient question of this exercise. Next, miscellaneous के जो questions आपको करने हैं वो कौन से करने हैं, first, second, fifth. क्योंकि first, second एक जैसा है, third, fourth एक जैसा है, इस type से questions हैं इसमें. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ये थोड़ा different types हैं. इसमें क्या है आपके पास, वैसे तो इन्वर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें सब आपको फॉर्मूले बताए हैं, लेकिन फिर भी आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पे है तो x के प्लेस पर a साइन थीटा आप पुट करेंगे, a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x के प्लेस पर आपने a sec थीटा पुट करना है, और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए अंडर रूट में, चाहे वो डिफरेंशिएशन में है इन्वर्स वाला क्वेश्चन या इंटीग्रल में है, उसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है अगर, तो एक्स को आप ए टेन थीटा पुट करते हैं तो वो इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाती है. ठीक है, कहीं पे 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स है तो वो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स के लिए, राइट. कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो उसको हम कॉस से डिवाइड करके पहले 10 में चेंज कर देते हैं और उससे फिर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, कभी कभी इन्वर्स का सिंपल 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिया रहता है आपको, लेकिन एक इन्वर्स का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज में भी आ सकता है क्योंकि उसमें भी इन्वर्स का ही यूज है. पहले आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, वो ये 4 क्वेश्चंस हैं. इनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है. इससे प्रीवियस जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की जरूर वीडियो रही होगी, उसमें ये सब क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे. तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, 5 मार्क्स आपके लगभग 100% श्योर. ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.